अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज के हमारे सेशन में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 की, चैप्टर नंबर 17 की हिस्ट्री में, जिसका नाम है साइंस और टेक्नोलॉजी से समाज और तहजीब में आने वाली तब्दीलियाँ। गुजराती में कहेंगे विज्ञान अने टेक्नोलॉजीना कारणे समाज अने संस्कृति में आवेल परिवर्तन यानी कि तब्दीलियाँ। आज के ज़माने में साइंस और टेक्नोलॉजी का जो प्रमाण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पहले के मुकाबले में। अब साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे समाज और तहजीब में भी तो तब्दीलियाँ होगी, क्योंकि ये इन्हीं चीज़ पर तो असर करते हैं। तो उन्हीं चीज़ को हमें इस चैप्टर में समझना है, ठीक है। विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी ने कारण है समाज एंड संस्कृति में आवेल परिवर्तन। 20वीं सदी साइंस और टेक्नोलॉजी के लिहाज से बेमिसाल है, 21वीं सदी तो इससे ज़्यादा बेमिसाल है। बिजली, अबलाग, मसनू सयाचे, एंटीबायोटिक्स, आमदोरफ्त जैसे शोबों में होने वाली मुख्तलिफ ईजादात ने इंसानी ज़िंदगी पर गहरा असर डाला है। उसने किसी एक कौम या समाज को नहीं बल्कि तमाम बनिनो इंसान को सहूलत मुहैया की है। हम जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो किसी एक पर्टिकुलर समुदाय में या फिर कोई एक ज़ात पात में तो नहीं आई है। इसने तो पूरे समाज को, पूरी दुनिया के तमाम इंसान को अपने साथ मतलब रंग में रंग डाला है। बिजली में, सनत अबलाग में, आमदोरफ्त के ज़राए में, एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ। आज की सिचुएशन को तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल होगा कि पहले के ज़माने में जो प्लेग नामी या फिर अलग अलग बीमारियाँ आई थी उनमें कई लोग मर गए, करोड़ों लोग मर गए, क्योंकि वो टाइम पे उस टाइप की वैक्सीन्स और दवाइयों की इतनी ज़्यादा इजादत नहीं हुई थी। लेकिन आज के ज़माने में हम देखें तो भले ही वक्त थोड़ा लगा, लेकिन एटलीस्ट कोरोना की वैक्सीन तो बन चुकी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने समाज पर, साइंस और टेक्नोलॉजी ने समाज पर और तहजीब पर अपना असर डाला है। किस तरह से तब्दीलियाँ हुई है, क्या क्या तब्दीलियाँ हुई है, उसी को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। फ़ायदे भी हुए हैं, नुकसान भी हुए हैं। हम बात करते हैं तवानाई के नए मुंबे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको जो ब्लूप्रिंट लिखाई उसके अकॉर्डिंग आप देखिए। शक्ति ना नवा स्रोत, तवानाई के नए मुंबे। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे हमें नए नए टेक्नोलॉजी के ज़राए मिलते गए हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में होने वाली तरक्की ख़ास तौर पर कुव्वत या तवानाई के मुंबों पर दारोमदार रखती है। इब्तदा में लकड़ी, बाद और आग तवानाई के हैं मुंबे थे। पहले के ज़माने में हम बात करें तो लकड़ी के ज़रिए, बाद और आग, इनके ज़रिए हम क्या करते थे, तवानाई हासिल करते थे। उसके बाद कोयले ने इनका मुकाम हासिल किया। उसके वसी पैमाने पर ईंधन के तौर पर हम इस्तेमाल करने लगे। उसकी मदद से मशीनों को चलाया जाने लगा। फिर हमें पेट्रोलियम, कुदरती गैस की दरियाफ्त होने से हमारी टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई है और अब तो हम एटमी तवानाई का इस्तेमाल भी करने लगे हैं। साइंस की तरक्की ने, टेक्नोलॉजी ने इनकलाबी तब्दीलियों की। जेम्स वाट और गैलीलियो जैसे अजीम साइंसदानों की राह पर चलते हुए 20वीं सदी में कई साइंसदानों ने अपना काम किया। साइंसदानों ने कई नए उसूल पेश किए। एटमी भट्टियाँ, तरसीले रोशनी, इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर, इंजीनियरिंग के उसूलों का शुमार होता है। हमने देखा होगा कि पानी के ज़रिए इतने बड़े पैमाने पर बिजली पैदा की जाती है, जो एक बहुत ज़्यादा मशीन होता है। जब हम पढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे हम वन बाई वन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो देख लेते हैं। 20वीं सदी की इब्तदा से ही कई अजीम दरियाफ्तों ने साइंस इनकलाब बरपा किया, जिसमें प्लास्टिक की ईजाद, रेडियो अबलाग, नहरों के वसी मनसूबे, रेडियो नशरियात नेटवर्क, जौहरी इंशकाफ, एटम बम, कंप्यूटर, सुपरसोनिक हवाई जहाज़, ट्रांसटर, जौहरी बर्क, खिला में इंसान जो कभी सोचा नहीं था, आज हम देखते हैं कि दूसरे ग्रह की मतलब तलाश हो चुकी है। कई बार खिला में लोग इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, वहाँ पर सैटेलाइट है, उसके ज़रिए हमें मालूमात मिलती है। अलग अलग चीज़, अभी हम बात करें तो हमारी पूरी दुनिया एक मोबाइल में समा चुकी है। तो हम समझ सकते हैं कि दुनिया पहले के ज़माने से आज के ज़माने में कितनी आगे जा चुकी है। हमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट तवानाई के मुंबे पढ़ने हैं जो आपके चैप्टर में दिए हुए हैं और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उसे डिस्कस करते हैं। तवानाई के मुंबे की हम बात करें तो शमशी तवानाई, बात तवानाई, आबी तवानाई, अर्जी हरारती तवानाई, इसके बाद है हाइड्रोजन और जौहरी तवानाई, ठीक है। हाइड्रोजन और जौहरी तवानाई,
ये कुछ तवानाई के मुंबे हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, जिससे हमें तवानाई ऊर्जा हासिल होती है। फर्स्ट है शमशी तवानाई, गुजराती में से कहेंगे सूर्य ऊर्जा। सूरज तवानाई का सबसे अजीम मुंबा है। 20वीं सदी के इब्तिदा में दरियाफ्त किया गया कि सूरज की रोशनी अगर सिलीनियम पर मखसूस तौर पर गिरे तो उसमें से बिजली पैदा होती है। एक टाइप का कांच एक प्रोजेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, जिसके ज़रिए रोशनी पैदा होती है, बिजली पैदा होती है रोशनी के ज़रिए। 1954 में पहला सोलर सेल शमशीखाना तैयार किया गया। हालांकि इसमें बहुत कम कामयाबी मिली थी, लेकिन उसके बाद शमशीखाने से सिलिकॉन्स तैयार किए जाने लगे। ज़्यादातर मसनू सैयारचों में शमशीखानों का इस्तेमाल करके तवानाई हासिल की जाती है। शमशी तवानाई के इस्तेमाल में हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अव्वल नंबर पर है। सूर्य की रोशनी से भी हम शक्ति ऊर्जा हासिल करते हैं। जैसे अगर नॉर्मली हम बात करें तो सोलर कुकर है ना, सोलर कुकर के ज़रिए सूरज की रोशनी में खाना पकाया जाता था। तो सूरज की रोशनी की किरणों के ज़रिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल करके हम इसके ज़रिए भी शक्ति ऊर्जा हासिल कर सकते हैं। और हिंदुस्तान में शमशी तवानाई के लिए सूरज पूरी दुनिया है, भारत जो है हिंदुस्तान है वो पूरी दुनिया में एक नंबर पर आता है। उसके बाद है बात तवानाई, वायु ऊर्जा इसे कहेंगे, हवा से जो हासिल होती है तवानाई। सदियों से बात तवानाई एक अहम मुंबा है। 20वीं सदी में पवन चक्की की टेक्नोलॉजी के ज़रिए बात तवानाई का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सका है। हिंदुस्तान में 20,000 मेगावाट जितनी बात तवानाई मुमकिन है। 20वीं सदी के आखिर तक हिंदुस्तान में 125 मेगावाट जितनी तवानाई कायम की गई है। बात तवानाई आपने देखा होगा कि जो आप अगर ट्रेन के ज़रिए जाते हैं तो हमें देखा होगा रास्ते में आपको बड़े बड़े पंखे टाइप नज़र आते हैं, उसी के ज़रिए हवा के ज़रिए हम बात तवानाई को पैदा करते हैं। ठीक है, जहाँ ज़्यादा हवा चलती है पहाड़ी एरिया में, वहाँ पर ये चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और हवा के ज़रिए तवानाई को ऊर्जा को हासिल किया जाता है, पैदा किया जाता है। उसके बाद है आबी तवानाई, पानी भी नहायत अहम तवानाई का मुंबा है। उसके ज़रिए आमतौर पर आबी बर्क पैदा की जाती है, पानी के ज़रिए बिजली पैदा की जाती है, ऊर्जा पैदा की जाती है। समुंदर या बहर में पैदा होने वाली पानी की लहरें तूफान का इस्तेमाल करके भी तवानाई पैदा की जा सकती है। मद्दोजज़र के साइंसी तरीके से तवानाई पैदा की जाती है। बरतानिया और फ्रांस जैसे ममालिक में मद्दोजज़र पर दारोमदार रखते हुए चक्कियों का कायम किया गया है, चक्कियाँ बनाई गई हैं। नदियों में पानी को रोकने के बाद तेज़ी से बहाकर तवानाई हासिल करने के लिए टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है। आबी तवानाई हमने देखा है, जो बड़े बड़े डैम बने हैं, बहुत बड़े मशीन होते हैं जो ऊपर से पानी तेज़ी से जैसे ही गिरता है उसमें से बिजली पैदा होती है। टरबाइन जब घूमता है, एक टाइप का जो मशीन है उसके अंदर का एक पार्ट है टरबाइन, जब घूमता है तो इसके ज़रिए हम बिजली पैदा करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर बच्चों को घूमने के लिए ले जाते हैं बड़े बड़े डैम पर, उन्हें बताया जाता है, उसके ज़रिए बिजली पैदा की जाती है। इसके अलावा समुद्र में जो मद्दोजज़र आते हैं, जो लहरें बड़ी लहरें आती है, उन लहरों के ज़रिए भी आबी तवानाई पैदा की जाती है। और फ्रांस और बरतानिया इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद है अर्ज़ी हरारती तवानाई। ये हमने बात की पानी की, हवा की, शमशी तवानाई। अब हम बात करें कि ज़मीन की तह से भी मौजूद है, वहाँ पर से भी हम बिजली पैदा कर सकते हैं, जिसे हम अर्ज़ी हरारती तवानाई कहते हैं। अर्ज़ी यानी कि ज़मीन। ज़मीन की परत के 12 किलोमीटर नीचे दर्जा हरारत 1000 से 4000 सेल्सियस जितना होता है। गीज़र या पाइप के ज़रिए इस तवानाई को बाहर निकाल कर हम बिजली पैदा करते हैं। हिंदुस्तान में इसकी शरह बहुत कम है, लेकिन अमेरिका और न्यूज़ीलैंड में अर्ज़ी हरारती तवानाई का इस्तेमाल तिजारी तौर पर किया जाता है। जैसे ही हम ज़मीन की निचली सतह पर जाएंगे वहाँ पर भी हरारत ज़्यादा होती है, दर्जा हरारत ज़्यादा होता है और हम वहाँ से भी तवानाई हासिल कर सकते हैं। भारत में भले ही हमें कम देखने को मिलता है, लेकिन भारत में हमें शमशी तवानाई ज़्यादा देखने को मिलती है और ये तवानाई हमें अमेरिका और न्यूज़ीलैंड में ज़्यादा नज़र आती है। उसके बाद है हाइड्रोजन और जौहरी तवानाई। हाइड्रोजन अल्कोहल यानी कि शराब और जौहरी तवानाई इस दौर में तवानाई के बहुत अहम मुंबे समझे जाते हैं। पानी के बर्क तजिए से हाइड्रोजन तवानाई पैदा होती है। इसका इस्तेमाल खिलाई रॉकेट्स में किया जाता है। जूल्स वर्न जैसे अजीम मुसन्निफ़ ने अपनी किताब विमिस्ट्रेस आइलैंड में ये पेशन गोई की थी कि मुस्तकबिल में हाइड्रोजन तवानाई का अहम मुंबा साबित होगा। अंडरलाइन कीजिए, हाइड्रोजन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती तवानाई है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इसमें किया जाता है। इस तरह जब अल्कोहल ऑक्सीजन के साथ तामूल करता है तब तवानाई पैदा होती है।
अल्कोहल जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तब तवानाई पैदा होती है। कई ममालिक में कारों में पेट्रोल के साथ अल्कोहल मिलाया जाता है। अगरचे हाइड्रोजन और अल्कोहल दोनों पर आजकल साइंसी तहकीकात चल रही है। तो इस तरह से हाइड्रोजन जौहरी तवानाई भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा पैमाने में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ये तो हुई हाइड्रोजन तवानाई। उसके बाद है जौहरी तवानाई। जौहर के इंशकाक और इस्तेसाल के साथ मुंसलिक तवानाई जौहरी तवानाई के तौर पर जानी जाती है। जौहरी इंशकाक के लिए रिएक्टर तैयार किए जाते हैं। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक जौहरी तवानाई की जानी मुतवज्जा है। हिंदुस्तान में आहिस्ता आहिस्ता इस सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। जौहर के ज़रिए भी तवानाई पैदा की जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है, शमशी तवानाई, बाद तवानाई, आबी तवानाई, अर्जी हरारती तवानाई, हाइड्रोजन और जौहरी तवानाई। आपके एग्ज़ाम में सेक्शन डी में या फिर ई में सवाल आता ही है, इसे याद कर लीजिएगा। छोटा है और अच्छा है, हेडिंग के साथ है तो आपको याद करने में आसानी होगी। इसके बाद का भी हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। जौहरी तवानाई की बात हमने की, सनअती पैदावार। जाहिर सी बात है, जब साइंस और टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो सनअती पैदावार में भी तब्दीलियाँ होगी। सनअती इनकलाब के बाद 20वीं सदी सनअती पैदावार के लिहाज से बहुत अहम है। 20वीं सदी सनअती पैदावार के साथ मुंसलिक है। एक जानिब आबादी में इजाफा हो रहा है। 20वीं सदी के आखिर में आबादी 6 अरब के अदद को अबूर कर चुकी है। इसलिए ज़रूरी अनाज और ज़िंदगी के दिगर पहलुओं के लिए मुख्तलिफ अशिया की पैदावार तो नागरेज़ हो चुकी है। हम देख रहे हैं आज के ज़माने में अगर बात करूँ तो हमारी आबादी 200 सालों में 3 अरब से 6 अरब तक पहुँच चुकी है। जितनी आबादी बढ़ेगी उतने अनाज की हमें ज़्यादा ज़रूरत होगी और इसीलिए हमें सनअती पैदावार की ज़्यादा ज़रूरत होगी। अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड और इसराइल ने ज़रई शोबों में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। पहली आलमी जंग के बाद ख़ासतौर पर बड़ी सनअतों का क़याम हुआ। प्लास्टिक, कंप्यूटर, मसनूई सयारचे जैसे जदीद टेक्नोलॉजी के आलात ने सनअतों में अपना अव्वल मुकाम हासिल किया है। स्पेशल इकोनॉमी जोन जैसे अल्फाज राइज हुए। कपड़े, रंग और कीमियाई फौलाद, आमदो रफ्त, हवाई जहाज़, स्टीमर और तरसील अबलाग की सनअतें 20वीं सदी में तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। और के साथ ही साथ खिदमत के शोबों में भी काफ़ी तरक्की हुई। शेयरकारी में इजाफा हुआ, बुनियादी सहूलतों में इजाफा हुआ और सनअती पैदावार में लाजमी तौर पर इजाफा हुआ। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से सनअती इनकलाब आया। जैसे हमने सब्ज़ इनकलाब देखा था, नई नई टेक्नोलॉजी का, अलग अलग मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा और सनअती ज़रई पैदावार की जाने लगी। व्हाट्सएप पर अलग अलग वीडियोज़ आते हैं, आप उस पर देखोगे तो इतने सारे मशीन्स बन चुके हैं जो कई सारे इंसानों का एक मशीन ही अपना काम कर लेती है। थोड़ा इस चीज़ को भी देखिए, थोड़ा कुछ नया सर्च कीजिए जिससे आपको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज हासिल हो, ठीक है। इसके आगे हम अब नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। एक बार थियरी को पढ़ लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।